हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ बाय निशान झा। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग वर्ग 10 के मैथ सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 2 नंबर का कि ए और बी के किन मानों के लिए, यानी कि ए और बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। निम्न तो आपको पता है कि एक से अधिक जो होगा रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होना चाहिए। अनेक हल होने का फॉर्मूला है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2, यानी कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर हो, b1/b2 जो है वो c1/c2 के बराबर हो, और a1/a2 जो है वो भी c1/c2 का हो, यानी कि सब जो है आपस में बराबर होगा, तो ही अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। समीकरण है 2x + 3y = 7। 7 को हम लोग उठा के इस तरफ लाते हैं इक्वल टू के बाएं तरफ, तो 2x + 3y - 7 = 0, ये पहला समीकरण हुआ। फिर दूसरे समीकरण के लिए a - bx + a + by = 3a + b - 2, ये टर्म जो पूरा है 3a + b - 2, इसको उठा के हम लोग बराबर के बाएं तरफ लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। a - bx + a + by - 3a + b - 2 = 0, ये दूसरा समीकरण हुआ। तो पहला समीकरण का जो है, आप देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये ax के रूप में है, by के रूप में है, c के रूप में है, ठीक। तो हम लोग पहला समीकरण को देखते हैं तो a1 2 b1 3 और c1 - 7, a2 a - b b2 a + b c2 - 3 a + b - 2, a1/a2 2/a - b, b1/b2 क्या होगा 3/a + b, b1 का जो वैल्यू है वो और b2 का जो वैल्यू है वो लिखेंगे, c1 - 7 और c2 क्या है -3a + b - 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बराबर क्या होगा 7/3a + b - 2। पहले ही हम बोल चुके हैं, फिर भी यहाँ हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन बनाने के टाइम में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि एग्जामिनी जो होंगे, जो कॉपी आपका चेक करेंगे एग्जाम में, तो उनको लगे कि कॉपी में जो लिखा हुआ चीज है वो हमसे बात कर रहा है। अपना दिमाग उनको थोड़ा भी खपत नहीं हो तो ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। इसके लिए हम लोग लिख देते हैं। हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, फलतः a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब a1/a2 का वैल्यू लिखें 2/a - b बराबर b1/b2 जो है 3/a + b, फिर बराबर c1/c2 7/3a + b - 2, अर्थात 2/ab = 3/a + b और 3/a + b = 7/3a + b - 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोना कोनी यहाँ गुना करते हैं, 2 को गुना किए a + b से, 3 को गुना किए a - b से और 3 से गुना किए 3a + b - 2 को और 7 से गुना किए a + b को। जब 2 से a को गुना किए तो 2a + 2b = 3a - 3b और 3 से जब 3a को गुना किए 9a, 3 से + b को गुना किए + 3b, 3 से - 2 को गुना किए - 6 बराबर 7a + 7b या 2a - 3a = -3b - 2b और 9a + 3b - 7a - 7b, इसको उठा के इस तरफ लेके आ गए इस दोनों को और इसको उस तरफ लेके चले गए बराबर 6, तो -a इसको घटा लिए 3a में से 2a को घटाएंगे तो -a बराबर, दोनों माइनस में जोड़ का क्रिया हो गया -5b, माइनस माइनस को काट देंगे और 2a - 4b = 6, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि 9a में से 7a को घटा लिए 2a, 3a में से 7b को घटा लिए, माइनस वाला अंक बड़ा है इसलिए माइनस का साइन होगा 4b = 6, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन ले लिए इस दोनों टर्म में तो a - 2b = 6, द्वितीया 6 इसको काट दिए, a = 5b और a - 2b = 3, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो a - 2b = 3 आया है उसमें a = 5b का वैल्यू रख देंगे। a = 5b को a - 2b = 3 में रखने पर a - 2b = 3 या 5b -
टू बी बराबर तीन या तीन बी बराबर तीन, इसलिए बी बराबर तीन बट्टा तीन बराबर एक होगा, तीन एक तीन, तो b बराबर एक को a बराबर पांच बी में रखने पर, तो a बराबर पांच बी या a बराबर पांच गुने एक, इसलिए a बराबर पांच। ये तो आपको पहला कंडीशन था, जबकि जब a1 बट्टा a2 बराबर हुआ था b1 बट्टा b2, और जब हम लोग बराबर किए c1 बट्टा सॉरी b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो अब क्या बच गया, इसको और इसको हम लोग अब कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर c1 बट्टा c2 पे भी हम लोग वेरीफाई करते हैं कि a और b का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू आता है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखे साथ ही दो बट्टा ए माइनस बी, ए वन बट्टा ए टू का वैल्यू है बराबर सी वन बट्टा सी टू का वैल्यू सात बट्टा तीन ए प्लस बी माइनस दो बराबर, यहाँ पे भी कोना कोनी गुना होगा, दो को तीन ए प्लस बी माइनस दो से गुना करेंगे और सात से ए माइनस बी को गुना करेंगे, तो छ ए प्लस दो बी माइनस चार बराबर सात ए माइनस सात बी। इस माइनस चार जो ये है इसको यही छोड़ देते हैं और ये दोनों टर्म को उठा के उस तरफ लेके चले जाते हैं बराबर के दाहिने तरफ, सात ए माइनस सात बी माइनस प्लस में छ ए था माइनस में हो गया, प्लस में दो बी था माइनस में हो गया, तो घटा घटाओ का जब क्रिया करेंगे ए माइनस नौ बी बराबर माइनस चार होगा। अब ए माइनस नौ बी बराबर चार में ए बराबर पांच बी रखने पर ए का वैल्यू पांच बी आया हुआ है पहले, तो ए माइनस नौ बी बराबर माइनस चार या ए के जगह पे हम लोग पांच बी रखेंगे, पांच बी माइनस नौ बी बराबर माइनस चार, माइनस चार बी बराबर माइनस चार, इसलिए बी बराबर माइनस चार बट्टा माइनस चार, माइनस माइनस कैंसिल चार एक चार, बी बराबर एक, इसलिए ए और बी का मान क्रमशः पांच और एक होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही साथ लाइक कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।